नटी हदा फटी भोदा आएगा मस्त मजा। नटी हदा फटी भोदा, नटी हदा फटी भोदा, आदा भोदा आदा भोदा। तक्ता दुम तक्ता दुम तक्ता दुम तक्ता दुम। लो आ गए आदा भोदा, लो आ गए आधा भोदा साथ लेकर। तकता दूं तकता दूं तकता दूं तकता दूं। साथ में है फूफा जी, फूफा जी अरे फूफा जी। साथ में है फूफा जी हमेशा गुस्से में है। शरारत का गुरु है वो आधा ही तो है, है। ताकता दूं ताकता दूं ताकता दूं ताकता दूं। आधा होता आधा भोरा। बदमाश हद, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो तुम दोनों के बदमाशी चालू हो जाता है। जाओ यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं डंडा से मारूंगा। चलो चलो यहाँ से डूबते भागते हैं। नहीं भोदू भैया, एक बार तुम गुर्देल चलाओगे और एक बार हम चलाएंगे। छत पे जो तोता बैठा है उसको जो पहले मारेगा वही विजय कहलाएगा। पहले तुम मार। एक कोई बात हुआ क्या? ये तोता मेरे गुडेल से मरेगा। ये देखा है तो पहले सीख करा। मैं गुर्देलों का कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं ठीक से गुर्देल चलाता। रुको, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। अरे वो तो जीत का घर का कांच टूट गया। अरे वो लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे अब तो जीत के पापा हमें डंडा लेकर मारेंगे। भाग भोदू भैया, जल्दी भाग। अरे कौन है जो हमारे खिड़की के कांच को तोड़ दिया है? उसको पीट पीट कर उसी पर चिपका देंगे। आज उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे रुको, हम तुम्हें अभी मजा सिखाते हैं। तुम्हारे घर पर जाकर बोलते हैं। भोदू भैया, इस बार मिस तो हो गया मगर दूसरा बार मिस नहीं होगा। चलो इस बार तलवार लेकर खेलते हैं। तो रुक, मैं घर से 2 तलवार लेकर आ रहा हूँ। देखा तो, इसी को बोलते हैं तलवार का खेल। पहले कभी जीवन में तुम खेला नहीं, इसीलिए तो तुम जानता नहीं जापान लोग कैसे खेलते हैं। तूने माथा पर क्यों मारा? तुम क्या समझते हो मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है? हा? ये लो, संभालो ये। अरे ऐसे तलवार फेंक के मारते हो, ऐसे भला कोई कहता है क्या? अरे रिमोट कंट्रोल का तो नाम सुना हूँ, लेकिन ये तलवार आकर कहाँ से गिरा? अरे ये क्या? ओ ये बात है, ये तुम लोग का काम है। रुको, तुम्हारे घर जाकर हम बोलते हैं। ठीक है, जाइए जाइए, वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। क्या बोले हो तुम? आँख दिखाते हो। रुको रुको, मैं तुझे अभी मजा सिखाता हूँ, रुक जा। ये लोग कैसा इंसान है, जब छोटा बच्चा खेलता है तो लोग देखकर सब जलता ही जलता है। चलिए भोदू भैया, अभी हम लोग लाठी का खेल खेलते हैं। माँ से पहले बचपन में सुना था कि सिनेमा नहीं था। वीर उसी को कहते हैं जो लाठी के मैदान में जीतते हैं। हाँ तो यही खेलते हैं। ए हदा, तुम खेल में ऐसा सीरियस खेला मत किया करो। अरे ये तो खेला है, सचमुच मत खेला करो। करो इस लाठी से मारता हूँ, इस लाठी को तुम संभालो। ओ, मैं समझ गया, तुमको ऐसे मारना पसंद है। हटा, तुम मुझे ऐसा क्यों मार रहे हो? हमें बहुत लग रहा है। हटा, तुम ऐसे खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। हटा, तुम्हारे साथ हम खेलेंगे नहीं, तुम हमें मारता है खाली। अरे ये दर्द उदरद नहीं, अरे यार तेरा चर्बी वाला शरीर में एक दुलाठी पड़ देते कोई बड़ा बात नहीं है। अरे यार इस बार हम लोग टेनिस प्रैक्टिस करेंगे, समझ गया ना? एक तो टेनिस बॉल चाहिए, तुम्हारे पास है ना? हमारे पास कॉर्कट का बॉल, एक टेनिस बॉल नहीं है। तुम लाओ, उसी से हो जाएगा। अरे बॉल से किसको टिपना है? वो देखो जो खजूर का जूस जो ले जा रहा है उसी का बर्तन को टिकना है। क्या तुम टिप पाओगे या नहीं, हमें बताओ। दो पहले हमको दो, हम तुमको मार के सिखा दे रहे, उसके बाद तुम मारना, कैसे मारना है। ये मैं फेंका। अरे दैया तुम दोनों क्या कर दिया रे? क्या रे हाडा, तुमने बॉल फेंकने का चक्कर में उनका मिट्टी का बर्तन तूने तोड़ दिया। हे भगवान, मेरा सारा मिट्टी का बर्तन टूट गया और सारा रस गिर गया, अब हम क्या करें? अच्छा हादा बाबू और भोदू बाबू, अभी हम तुम लोग का घर चलते हैं और घर जाने के बाद वहाँ से मैं पैसा पूरा का पूरा अपना वसूल कर लूँगा। अरे भोदू भैया, हम लोग जब खेलते हैं जहाँ पे तो ये लोग भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और खेल खेल में हम लोगों से सब भूल हो जाता है तो घर पहुँच जाते हैं और घर पहुँचने के बाद सजा दिला देते हैं। अरे भोदू भैया, हम लोग घर के पीछे वाले जो बगान है उस बगान में चलकर फूल में पानी देंगे और वो लोग हमें मारने के बदले में आदर करने लगेंगे और प्यार करेंगे। अरे हाडा, जैसे तुम पानी डाल रहे हो पत्ता हिल रहा है, वैसे ही तुमको भी हिलना पड़ेगा इन पत्तों के सामने। नहीं नहीं नहीं, देखो इन पत्तों को कैसे हम कान पकड़कर सीधा कर दे रहे हैं, तुम देखो। अरे भोदू भैया, इसका कान पकड़ने के बावजूद उसे कोई लज्जा नहीं है, फिर भी लपलप जा रहा है। अरे हाडा, देखो देखो मौसा जी आ गए हैं। हाँ हाँ, ये देखिए ना भोदू भैया, मौसा जी के साथ पूरा दल बल आ गए। अरे अभी मैं क्या करूं? ओह, हमारा मटकी फोड़ दिया। अरे भोदू भैया, अब मैं क्या करूं? हमको लगता है जो होस पाइप है उस पाइप से सबको नहलाकर उनका माथा ठंडा कर दूं। अरे हटा, अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा, तुझे जो करना है सो करो। अरे बदमाश, तुम इन लोगों का इतना नुकसान पहुँचाने के बावजूद भी तुम मेरे बगीचा को तुम आ गया नुकसान पहुँचाने। तुम रुको, अभी तुम दोनों को मजा मैं सिखाता हूँ। अरे तुम लोग सब मिलकर उसको पकड़ो, उसको होस पाइप से अभी उसको नहलाकर उसका दिमाग साफ करके तभी वो ठिकाना पाएगा, नहीं तो उसका दिमाग साफ होगा नहीं। अरे बच्चों, मैं पेड़ पर बैठकर हाथों को नहलाते हुए देख रहा हूँ मौसा जी को, और ये बात मौसा जी से मत कहना, नहीं तो मुझे पकड़ कर नहलाने लगे।